हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? तो फटाफट से आज बता देते हैं कि कौन सी मूवी ने क्या कुछ किया। बहुत सारी मूवीज कवर कर रहा हूं, क्योंकि आप पीछे पड़ जाते हो यार, ये सब कुछ ही कवर करो। तो जो जो भी मूवीज थिएटर्स के अंदर है वो मैंने अच्छा फिर से कवर कर ली है, लेकिन बहुत कम जो है छोटे छोटे प्रोग्रेस हो रहे हैं। जिनके मामले बिल्कुल 10 लाख से भी नीचे चले गए हैं वो कल से मैं जेन्युइनली नहीं कवर करने वाला हूं, ठीक है? तो पहले कवर कर लेते हैं द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट, और इसका जो डे 5 का कलेक्शन है वो है मात्र 3 लाख रुपए। तो इसका जो टोटल हो गया है वो है 43 लाख रुपीज। तो ये बिल्कुल नकार दी गई है। हालांकि रसल क्रू है इसके अंदर, एक इंटरनेशनल स्टार है, और जब ग्लैडिएटर आई थी हमारे जमाने के अंदर तो क्या मूवी थी। बट इस मूवी को ज्यादा इसलिए पसंद नहीं किया गया कि बहुत देखी वाली टाइप सी थोड़ी सी मूवी ये लगने लगी। अब अगर उसके बाद बात करें हम रावण असुरा की, तो डे 5 का जो कलेक्शन है इसका वो करीबन है 1 करोड़ रुपए। तो ये उसकी खुद की तेलुगु ऑडियंस ने भी नकार दिया, क्योंकि रवि तेजा की मूवी और किसी लैंग्वेज में आई नहीं है। तो 14 करोड़ रुपीज की जो कल की कलेक्शन थी वो इंक्रीज होगी 15 करोड़ हो गई है, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी इसकी सिर्फ 18 करोड़ रुपए है। तो कुछ ओवरसीज ज्यादा आ नहीं रहा। गुमराह भी बिल्कुल गुमराह हो चुकी है। बहुत बढ़िया मूवी है, लेकिन ये पता नहीं रीमेक का ये जो फैशन आ गया है, एक तो बनाओ और ऊपर से जब अगर अच्छी बन जाए तो फिर लोग नहीं देखते, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। बट ये लोग जब ये OTT पे देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि मूवी काफी ज्यादा अच्छी है। कल की कलेक्शन थी 70 लाख रुपए, आज ही हो गई है 60 लाख रुपए। मैक्सिमम इतना ही कर पाई है, जिससे इसकी कलेक्शन करीबन 5.5 करोड़ रुपए के आसपास टच कर गई है। वहीं विदु सलाई की जो कलेक्शन है वो भी 40 लाख रुपए ड्रॉप कर गई 12वें दिन। कल 1 करोड़ रुपए था, इसका टोटल हो चुका है 28.5 करोड़ रुपीज। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे डे 26 में थोड़ा सा इंक्रीज आया है। यही एक मूवी है जिसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीज आया है, 14 लाख से इंक्रीज हो गए, करीबन 30 लाख का इसने आज बिजनेस कंप्लीट करना है। 22 करोड़ रुपीज जो इसने कल कर लिए थे, अब हैं 22.3 करोड़ रुपीज, और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है करीबन 34.5 करोड़ रुपीज के आसपास है। वहीं अगर जॉन विक की बात करें, अब ये भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है। डे 19 वाले दिन वही कलेक्शन है जो कल थी, करीबन 50 लाख रुपए की कलेक्शन है, और आज भी 50 लाख रुपए की कलेक्शन है, जिससे 53.5 करोड़ रुपीज ये पहुंच गए। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2600 करोड़ रुपीज के आसपास है। ये भी अपना लाइफ टाइम बिजनेस के आसपास अब क्लोज पहुंच चुकी है। जो दूसरी मूवी लाइफ टाइम बिजनेस अपना अचीव कर चुकी है वो है तू झूठी मैं मक्कार, जिसका जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो लगभग आई थिंक 145-146 पे कंप्लीट हो जाएगा। बहुत हायर साइड पे अगर किसी तरीके से घिसट गई तो 150 करोड़ भी टच कर सकता है, क्योंकि सैटरडे संडे में हमेशा इसमें जंप आ रहा है। कल थी 50 लाख रुपए, आज है 25 लाख रुपए। तो 143 जो इसने कल किया था उससे इंक्रीज होकर 143.25 है। वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है 220 करोड़ रुपए से पार हो चुकी है, विच इज अ वेरी गुड नंबर। वहीं पर अगर दसरा और भोला की बात करें, तो मैंने आपको बोला था ये जो कैचअप का गेम है ये जल्दी भोला कर लेगा, और सरप्राइजिंगली ये ठीक ठाक चल गई है भोला। मुझे लगा नहीं था कि ये 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करेगी, और कल मैंने आपको बोला था कि 100 पार कर गई, छोटे से अमाउंट से ये पीछे रह गई। 74 करोड़ उसका हुआ था कल, और 99.1 करोड़ हुआ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आफ्टर रिकंसिलिएशन, लेकिन आज ये क्रॉस कर गई करीबन 1.5 करोड़ की कलेक्शन करने के बाद। ये है 75.5 करोड़ रुपीज नेट, और जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है इसका 102 करोड़ रुपीज। तो ये अच्छा कलेक्शन यहाँ पर कर चुकी है। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जो लागत थी करीबन 100 करोड़ रुपये थी, और इसकी जो बिकने की जो कॉस्ट थी लगभग जो डिस्ट्रीब्यूटर ने करी थी वो 45-50 करोड़ रुपए थी, जिसकी वजह से इसको इतना ही कलेक्शन करना जरूरी था, जो कि 102 करोड़ रुपए हो गया। तो कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर थोड़े से सेफ जोन के अंदर अब चला गया है। वहीं पर दसरा की अगर हम बात करें, तो आज 50 लाख रुपए की इनकम करते हुए ये 76.15 करोड़ है, और 110 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है। हिंदी का कॉन्ट्रीब्यूशन 4.5 करोड़ रुपए, और ज्यादा कोई दसरा देख नहीं रहा, 4.5 करोड़ रुपए हो गया। तो ये था सारा आज दिन का ब्यौरा। होपफुली यू लाइक द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग सच वीडियोस देन शेयर इट विद द मोर of your friends. I'm sure they will find meaning in this video, which is very, very quick and detailed. Bye-bye.